सदाबहार ज्योति जल रही थी, बताया जाता है कि वो शुरू में आंखों के पास ऐसे पकड़ के थे, अब वो नाभि के पास आ चुकी है। अच्छा। जिस दिन वो नी के नीचे ऐसे चली जाएगी तो कलयुग का समापन होगा, जो अभी हम अंदर देखे मोर देन 300 ईयर्स। 300 ईयर्स। हाँ तो भाई कसार देवी के माता के मंदिर के दर्शन करने के बाद ऑलमोस्ट 2 घंटे के ड्राइव करके हम लोग पहुँच गए हैं जागेश्वर धाम, जागेश्वर मंदिर बेसिकली। और वो बेसिकली ये मंदिर एक ज्योतिर्लिंग है, 8वें स्थान पे आता है ये ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ये ज्योतिर्लिंग है, 8th पोजिशन पे आता है। तो जोशी जी हमें हर हर महादेव। ये नारियल है, ये भी आपको मिल जाएगा। ये नारियल है, ये इलायची दाना है, ये खिचड़ी है, ये परवल है, ये यंत्र है जो आपके घर के लिए आना है। ये 101 है, ये 151। अच्छा, ये 101 और ये 151। जो रब मिले देख रहे थे भाई, चल रहे भाई जागेश्वर धाम के अंदर दर्शन कर लेते। पहले बहुत सारे मंदिर है तो इसके बारे में भी कुछ पहले हमारे हनुमान जी। चलिए चल रहे हम लोग ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर के अंदर। जब वो आंखों के पास था शुरू में तो कलयुग हो रहा है, नाभि के पास चला जाएगा। जिस दिन नी के नीचे चला गया वो दीपक तो वो कलयुग का समापन है। लेके जाने देंगे, नहीं नहीं एयरपोर्ट पे मना कर देंगे। हर हर महादेव। बहुत अच्छे दर्शन हो गए और दर्शन करके अभी बाहर चलते हैं दूसरी सारी चीजें देखने के लिए। अभी हम लोग ज्योतिर्लिंग जो मेन है यहाँ का 8वीं शताब्दी का, वहाँ दर्शन कर लिए हमने। राइट। जहाँ पे आपको 8वीं शताब्दी का सेल्फ इंकार्नेशन ऑफ शिवा स्वयंभू देखा आपने। हाँ हाँ। तो वो जो जो सदाबहार ज्योति जल रही थी, बताया जाता है कि वो शुरू में आंखों के पास ऐसे पकड़ के थे, अब वो नाभि के पास आ चुकी है। अच्छा। जिस दिन वो नी के नीचे ऐसे चली जाएगी तो कलयुग का समापन होगा, जो अभी हम अंदर देखे। वहाँ पे पिक्चर अलाउड नहीं है तो इसलिए। और अब हम बाहर कैंपस में है, यहाँ पे 125 टेम्पल्स है इस कैंपस। अच्छा, के पूरे परिसर में। हाँ। ऐसे मंदिर ऐसे भी जी, छोटे बड़े। हाँ, छोटे छोटे शिव परिवार, शिव हाँ, परिवार 125 टेम्पल है। हाँ। और उसमें मोस्टली 123 टेम्पल जो है वो नागरा आर्किटेक्चर में बने हैं। अच्छा। और यहाँ पे आप देखें ये द्रविड़ियन आर्किटेक्चर है, थोड़ा डिफरेंट है अदर से। वहाँ पे दो लाइन है टॉप पे। हाँ हाँ हाँ। और उसकी बनावट भी देखें तो थोड़ी अलग है। अच्छा, तो ये द्रविड़ियन आर्किटेक्चर, बाकी ये सब नागरा में है। नागरा आर्किटेक्चर ये सारी चीज। और सामने जो ये टिन रूफ डरा है ये पगोड़ा स्टाइल है, ये ऊपर वाला। हाँ, पगोड़ा आर्किटेक्चर। ये पेड़ दिखाइए सामने। हाँ, ये पेड़ को शिव पार्वती और गणेश जी का रूप माना जाता है। ये पूरा बड़ा पेड़ जी। इसमें अच्छा। देखें इसको जो बड़ा है शिव माना जाता है, जो लेफ्ट में है पार्वती जी, और जो सूट जैसा निकलता है। हाँ हाँ हाँ। रूफ के जस्ट ऊपर ये टस्क, ये गणेश जी का सूट माना जाता है। अभी है कि यहाँ पे जो बड़ी ब्रांच निकली है, इनको देवदार को दारुका वने भी बोला जाता है। दारुका वने। हाँ, यहाँ आए कि तो इसमें लिखा भी है, अगर आप उसको हो कर देख सकते हैं। दारुका वृक्ष रूपी भगवान शिव एवं माँ पार्वती, जो ये मोर देन 300 ईयर्स है। 300 ईयर्स लेकिन ये 8वीं शताब्दी का सबसे पुराना है ज्योतिर्लिंग जिसमें हम गए। उससे 18वीं शताब्दी तक के टेम्पल्स हैं इसमें। और ये बोले तो एक दिन में ही बना दिया था ऐसा? ये नहीं है, वो कटारमल का बता रहे थे। अच्छा, एक रात में तो ये सबसे पुराना है। तो परिसर में कितने हो गए? 125 पूरे इसके अंदर 125 टेम्पल। केदारनाथ मंदिर का एक रेप्लिका है यहाँ पे जो है ये। अलग अलग रूप में है ना, जैसे अन्नपूर्णा है। अच्छा। और पुष्टिका का है। अच्छा। भगवती का है, भैरव है, शिव है, महामृत्युंजय का है, कार्तिकेय है,
बंदरों को। ये है जटागंगा। अच्छा ये है जटागंगा। जटागंगा ये जटाओं में, हाँ जो ऊपर एक पेड़ है जटाओं जैसा, वहाँ से उद्गम है, आगे नीचे उतरती है। यहाँ पे पीछे क्रिमेशन भी करते हैं लोग। अच्छा यहाँ घाट भी है नीचे। अच्छा हनुमान जी के भी दर्शन हो गए यहाँ पे। हमें हमें हर भगवान के दर्शन करवा रहे जोशी जी, सारे धामों की, मतलब एक क्या बोलते हैं अपना एक माइथोलॉजिकल ट्रिप को क्या बोलते हैं, जतरा क्या बोलते हैं, जतरा बोलते हैं ना जो अपने पेरेंट्स करते हैं, चार धाम की यात्रा। चार धाम नहीं, यात्रा होती ना जो भी भगवान की यात्रा को क्या बोलते हैं, मोक्ष। नहीं सीधा ही उन्होंने मोक्ष प्राप्ति की ओर उन्होंने वो ही कर दिया। हाँ मतलब हमें मतलब प्रॉपर एक माइथोलॉजिकल यात्रा हो रही है जहाँ पे हमें हर भगवान के दर्शन एक ही जगह पे मिल रहे हैं। करेक्ट, पकड़ो जरा। माँ पुष्टि, पुष्टि माता। करेक्ट, क्या बात है, जय माता दी। या कुछ जप करना है, ये बाहर यहाँ बैठ के करवाते हैं। अंदर देखा आपने, वो रास्ते में बैठ के कर रहे थे। तो ये क्यों रखा है बाहर? रुद्राभिषेक, यहाँ पे रुद्राभिषेक करना है, किसी को शिवार्चन करवाना है। और ये हम अभी महामृत्युंजय, महामृत्युंजय टेम्पल में है। यहाँ पे जप करके अकाल मृत्यु से जीता जा सकता है। तेजे कम यजामहि सुगंधि पुष्टिवर्धन उर्वार होंगे मंदनाय मृत्युंजय महादेव। वाह वाह क्या बात है। लाने का नहीं है, चलो आ जाएगा भाई। हाँ तो हम जागेश्वर धाम से हम निकल चुके थे और रास्ते में ही पड़ता है दंडेश्वर मंदिर। तो अभी हम दंडेश्वर मंदिर के पास है और इसका भी आर्किटेक्चर बहुत कुछ सिमिलर है कंपेयर टू जागेश्वर धाम। देखिए ये पूरा नागरा स्टाइल, नागरा स्टाइल में। अच्छा आउट बहुत कम है। ये रहा दंडेश्वर मंदिर, तो ये भी शिव जी का ही मंदिर, शिव का ही रूप है। और ये ज्योतिर्लिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग सी स्टोरी का ही पार्ट है। अच्छा ज्योतिर्लिंग का यहाँ की बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। अभी क्या करते हैं, पहले दर्शन करते हैं फिर संतोष से पूरी स्टोरी जानेंगे। हाँ हाँ, तो हमने अभी दर्शन कर लिए हैं शिव जी के। और हाँ तो कुछ आप बता रहे थे। हाँ इसका ऐसा है, जब बताया जाता है कि दंडेश्वर जब यहाँ पे आदि शंकराचार्य के टाइम पे ऋषि मुनि तपस्या करने गए थे जंगलों में, तो शिव जी यहाँ बाल्य अवस्था में आए। तो बिल्कुल कौन सी अवस्था, यंग अवस्था, जवानी में, जवान। तो बिल्कुल चमक धमक थी चेहरे पे। तो ऋषि मुनिया यहाँ, उनकी पत्नियाँ जो थी घर थी, ऋषि मुनि जो है जंगलों में तपस्या करने गए थे। तो वो उनकी अवस्था को देख के, चमक वाली अवस्था को देख के, ऋषि मुनि की पत्नियां जो हैं मूर्छित हो गई। मूर्छित मतलब अट्रैक्ट हो गई, बेहोश हो गई, बेहोश हो गई, बेहोश हो गई, बेहोश हो गई। तो जब ऋषि मुनि वापस आए तपस्या करके, तो उनको लगा कि इस बालक ने हमारी पत्नी के साथ कुछ गलत कर दिया है। तो उन्होंने कुछ देखा नहीं, इधर ना सोचा कुछ, वो बालक को श्राप दे दिया कि जो आपका बॉडी है उससे आपका जो लिंग है अलग, वो अलग हो जाएगा। तो वही लिंग यहाँ पे अच्छा है। शिला तो पूरी जो यहाँ पे वो था उस पे देखा हाहाकार लिंग की वजह से। फिर पार्वती जी आई, उन्होंने उस लिंग को अपनी योनि में लिया, तब जाके शांति हुई। वही लिंग यहाँ पे दंडेश्वर के रूप में इसलिए नाम है। तो दंडेश्वर नाम कहाँ से पड़ा? दंड मिला, दंड मिला, पनिशमेंट मिला, ईश्वर को दिया गया दंड। अच्छा ओके, तो भाई ये है स्टोरी दंडेश्वर मंदिर की। सब लोग ने सुन ली, सब बायट हो गया, वेरी गुड। और कैसे हो सब लोग? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।